नंदू का फली का पौधा। सुप्रभात मीनू, तुम क्या कर रही हो? मैं इस पौधे को पानी दे रही हूँ। बस देखो, यह कितना सुंदर लग रहा है। मगर मीनू, यह पौधा इस छड़ी से क्यों बंधा है? इस छड़ी को यहाँ किसने डाला है? बस यह छड़ी मैंने यहाँ डाली है। यह पौधा एक बेल है। इसे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। क्या यह बाबूलाल चाचा द्वारा चलने में प्रयोग होने वाली छड़ी जैसा है? बस तुम बहुत मजाक करते हो। हाँ, यह वैसा ही है। पौधे के बढ़ने पर यह छड़ी उसे सहारा देगी। सभी बेलों को सहारे की जरूरत होती है। वे किसी पेड़, बड़े पौधे, छड़ी, जड़ या किसी ऐसी ही चीज को पकड़े रहते हैं। ओह, तो वे मजबूत पौधे नहीं हैं? तुम्हें यह किसने बताया? बस इनकी टहनियां नर्म होती हैं। सहारा मिलने पर ये मजबूत भी हो जाते हैं। नंदू की फली की टहनी की तरह कोई बड़ा भी उस पर चढ़ सकता है। नंदू की फली की टहनी, वह क्या है? यह एक कहानी है। बस यह कहानी है छोटे लड़के नंदू और उसकी फली की टहनी की। कहानी? मुझे तो यह कहानी मालूम नहीं। चीनू, क्या तुम मुझे वह कहानी सुनाओगे? अच्छा, मैं भी जरूर सुनाऊंगा। मगर तुम्हें भी वायदा करना पड़ेगा कि तुम मुझे थोड़ा शहद ला कर दोगे। मेरा भी थोड़ा शहद खाने का मन कर रहा है। यह कोई समस्या नहीं है। तुम मुझे कहानी सुनाओ। मैं हवाई जहाज की तरह उड़ कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए शहद लेकर आऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था। उसका नाम था नंदू। वह अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। उसके पिताजी किसान थे और उनका देहांत हो चुका था। नंदू और उसकी माँ के पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे। एक दिन उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक गाय थी। तो नंदू की माँ ने उसे गाय को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाने को कहा। नंदू गाय को लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक दयालु परी मिली। वह जानती थी कि नंदू और उसकी माँ बहुत गरीब हैं। उसने नंदू से वह गाय खरीद ली और बदले में उसे फली के चार बीज दिए। फली के चार बीज गाय के बदले में? उसकी माँ जरूर बहुत परेशान हुई होगी। ठीक कहा बस। मगर नंदू बहुत ही दयालु लड़का था। उसने बस फली के चार बीज लिए और घर लौट आया। जब उसने अपनी माँ को बीज दिए तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चारों फली के बीजों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नंदू बहुत उदास हो गया
और दोनों कुछ खाए बिना ही सो गए। अगले दिन सुबह जब नंदू उठा, उसने अपनी खिड़की के बाहर नए पत्तों वाला एक पौधा देखा। वह दौड़ कर बाहर गया और उसने देखा कि जिस जगह उसकी माँ ने बीज फेंके थे, वहाँ फली का एक बड़ा सा पौधा उग आया था। यह एक बेल थी और इसने नंदू के घर के पास एक पेड़ का सहारा लिया था। यह देखने के लिए कि वहाँ क्या है, नंदू फली की टहनी पर चढ़ गया। वह फली की टहनी पर कैसे चढ़ा? क्या उसकी लता कमजोर नहीं थी? नहीं, बस इसने एक पेड़ का सहारा ले लिया था। जब नंदू ऊपर गया तो उसने बिस्तर पर एक राक्षस को सोते देखा। वह डर गया। वह नीचे उतरने ही वाला था कि एक दयालु स्त्री ने उसे रोक दिया। वह राक्षस की पत्नी थी और नंदू की मदद करना चाहती थी, क्योंकि राक्षस ने ही उसके पिता को मारकर खा लिया था। उसने नंदू को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी और कहा कि मुर्गी सिर्फ सोने के अंडे ही देती है। उसने कहा कि वह अंडे बेचकर पैसे कमा सकता है। नंदू बहुत प्रसन्न था और उसने राक्षस की पत्नी को धन्यवाद दिया। वह राक्षस के जागने से पहले फली की टहनी से नीचे उतर गया। नंदू ने मुर्गी अपनी माँ को दे दी और उसे फली की टहनी के ऊपर बने राक्षस के घर की सैर के बारे में बताया। नंदू की माँ ने बहुत प्रसन्न होकर नंदू को गले से लगा लिया। चीनू, यह तो बड़ी अच्छी कहानी है। राक्षस की पत्नी एक भली स्त्री थी, मगर राक्षस फली की टहनी पर कैसे चढ़ गया? वह कितना बड़ा था? क्या फली की टहनी टूटी नहीं? बस फली की टहनी को सहारा मिल गया था। इसने नंदू के घर के पास के पेड़ को पकड़ा हुआ था। मगर क्या पेड़ मजबूत था? बहुत मजबूत। बस मैं दिखाती हूँ कैसे। मुझे कोशिश करके यह घास खींचने दो। दोस्तों, तुम भी हमारी तरह कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा, मुझे भी कोशिश करने दो। मैं जड़ से घास नहीं खींच सकता मीनू। देखो, यह ऊपर से अपने आप ही टूट गई। जड़? जड़ क्या है? जड़ किसी पौधे या पेड़ को मिट्टी में पकड़े रहती है। बस यह मिट्टी के नीचे उगती है और पौधों और पेड़ों को जमीन पकड़े रखने में मदद करती है। ओह, तब तो जड़ें बहुत मजबूत होती होंगी। जड़ें बहुत मजबूत होती है। बस देखो, मैं घास के छोटे से पौधे को भी खींच नहीं पा रहा। देखो, मैंने घास के इस पौधे को जड़ से खींचा है। जरा देखो कि इसकी जड़ें कितनी लंबी हैं। ओह मेरे भगवान, कितनी लंबी जड़ें! ये तो जमीन के ऊपर की घास से भी लंबी है। वे जरूर जमीन में बहुत नीचे चली गई होंगी। वे वहाँ क्या करती हैं मीनू? वे पौधों और पेड़ों के लिए पानी सोखती हैं।
सभी पौधों और पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधों को सींचते समय क्या उन्हें पानी नहीं मिलता? मगर क्या मीनू सभी पौधों को पानी देती है? हमारे गांव में कितने पेड़ और पौधे हैं? क्या तुमने किसी को उन्हें पानी देते देखा है? मगर बारिश भी तो होती है। बारिश होने पर पौधों और पेड़ों को पानी मिल जाता है। ठीक कहा, उन्हें मिल जाता है, मगर बारिश हमेशा नहीं होती है। वर्ष में कुछ महीने ही बारिश होती है, मगर पौधों को बढ़ने के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है। तो जड़ें जमीन से पानी सोखकर उसे पौधों को देती है। ओह, तो इससे पौधों को सचमुच मदद मिलती है। मैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं उड़कर पानी पी लेता हूँ, मगर पौधे उड़कर कहीं नहीं जा सकते, तो उनके लिए जड़ों को पानी लाना पड़ता है। ठीक कहा बस, जड़ें पौधों के लिए जमीन से पानी सोखती हैं और वे उन्हें मजबूती से जमीन में पकड़ कर भी रखती हैं। चीनू मीनू, क्या तुम बगीचे में से मेरे लिए कुछ गाजरें उखाड़ दोगे? मैं इसे तुम्हारे लिए पकाऊंगी, तुम्हें जल्दी ही भूख लगने वाली होगी। ठीक है दादी माँ, हम कुछ गाजर उखाड़ लेते हैं। बस आओ, दादी माँ के लिए कुछ गाजरें उखाड़ ले। अच्छा, मैं उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। तुम गाजर उखाड़ोगे? बस तुम जरूर मजाक कर रहे हो, मैं भी आसानी से नहीं उखाड़ सकता। इसे खींचना बहुत मुश्किल है। देखो, मैंने गाजर उखाड़ ली है, मुझे इसे खोदकर निकालना पड़ा। मेरे हाथ देखो, वे लाल हो गए हैं। मुझे इसे खींचने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ी। बस क्या तुम इसे देख रहे हो? मीनू, ये क्या है? ये जड़ के बाल हैं। जड़ के बाल? तो गाजर एक जड़ है? ठीक कहा बस, गाजर उस पौधे की जड़ है। तो तुम जड़ खाते हो? हाँ, हम पौधे की जड़ भी खाते हैं। हम अन्य जड़ें भी खाते हैं, जैसे मूली और चुकंदर। मुझे नहीं मालूम था कि हम पौधे की जड़ भी खाते हैं। मुझे सामान्य सब्जियां ही मालूम थी। हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं, जैसे बंद गोभी उस पौधे का पत्ता है, फूल गोभी और केले के फूल उस पौधे के फूल होते हैं। ओह, तो तुम पौधों के विभिन्न भाग खाते हो और गाजर, मूली, चुकंदर जड़े हैं जो तुम खाते हो। मुझे गाजर और चुकंदर पसंद है, मगर मूली पसंद नहीं है। मुझे मीठी मूली ही पसंद है। चलो आओ, अब बगीचे में चलकर खेलें। हे, वहाँ तो इसमें बड़ा मजा आएगा। चलो बगीचे में चलें। ओह चीनू, उस आम के पेड़ को देखो, वह गिर गया है। तुमने कहा था कि जड़ें मजबूत हैं, पेड़ आसानी से नहीं गिरते। बस आम का पेड़ गिरा नहीं है, इसकी कुछ टहनियां टूटकर गिर गई है। याद करो, 3 दिन पहले तेज
तेज हवा चली थी, ये तभी टूटकर गिर गई होंगी। ओह, यह बुरा हुआ। मगर इन पत्तों को देखो, वे पेड़ पर लगे पत्तों से अलग क्यों दिख रहे हैं? बस वे सूख गए हैं, वे मुख्य वृक्ष से अलग हो गए हैं। उनके पास उनके लिए पानी सोखने वाली जड़ें नहीं हैं। मगर जरा उस पेड़ को देखो, इतनी तेज हवा में भी यह गिरा नहीं। कितना बड़ा पेड़ है मीनू, इसकी जड़ें जरूर बहुत मजबूत होंगी। ठीक कहा बस, देखो बगीचा आ गया। मैं बरगद के पेड़ पर झूलना चाहती हूँ। मीनू, ये क्या है? क्या तुम बरगद की टहनियों से झूल रही हो? ओ बस, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये टहनियाँ नहीं हैं, ये जड़ें हैं। चीनू, तुम्हें कुछ नहीं पता, जड़ें इस तरह बाहर कैसे हो सकती हैं? ये टहनियाँ हैं। बस चीनू ठीक कह रहा है, ये जड़ें हैं। बरगद का पेड़ बहुत खास है, ये जड़ें टहनियों पर तब तक उगती रहती हैं जब तक ये जमीन तक न पहुंच जाए। फिर ये बरगद के पेड़ के लिए खंबे की तरह हो जाती हैं। ये पेड़ को बहुत अच्छे से सहारा देती हैं। तो बरगद की जड़ें मिट्टी के नीचे नहीं होती, इसकी जड़ें इसी तरह बाहर होती हैं। बरगद की जड़ें अन्य पेड़ों की तरह मिट्टी के नीचे भी होती हैं। इसकी टहनियों से लटकती ऐसी जड़ें भी होती हैं। इसीलिए यह एक विशेष वृक्ष है। देखो, साहिल आ गया। नमस्ते साहिल, आओ हम सब मिलकर कुछ खेलें। साहिल, तुम देर से क्यों आए? नमस्ते चीनू, सड़क पर रुकावट होने के कारण मैं जल्दी नहीं पहुंच सका। एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया है। एक नीम का पेड़ गिर गया? नहीं साहिल, ये जरूर टहनियाँ होंगी। मैंने अभी जाना है कि जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और पेड़ को जमीन से जकड़े रखती हैं। तुम ठीक कह रही हो बस, जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और पेड़ को मजबूती से पकड़ती हैं। मगर कभी कभी तेज हवाओं के चलने पर कुछ पेड़ गिर जाते हैं, वे बहुत पुराने वृक्ष हो सकते हैं। ओह, यह तो बड़े अफसोस की बात है, एक पूरा पेड़ ही गिर गया। हो सकता है यह वृक्ष बीमार था। शायद यह वृक्ष बीमार भी हो सकते हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? मेरी दादी माँ बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक नाम का एक खास वृक्ष होता है। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसे दिखाऊं बस, हमारे पास विश्व का मानचित्र नहीं है। मीनू रुको, देखो मानचित्र बेचने वाले को देखो। हम वहाँ जाकर बस को विश्व के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया दिखा सकते हैं। यह तो अच्छा विचार है साहिल। चाचा, क्या हम एक मिनट के लिए विश्व का मानचित्र देख सकते हैं? बस देखो, यह ऑस्ट्रेलिया है। और हमारा देश भारत कहाँ है? देखो, यह भारत है और यह ऑस्ट्रेलिया। यह तो बहुत दूर है। आपका धन्यवाद साहिल। अब हमें बताओ,
कि डेजर्ट ओक वृक्ष के बारे में खास बात क्या है? वह वृक्ष छोटी इमारत जितना लंबा हो जाता है, मगर क्या तुम इसकी जड़ों के बारे में एक खास बात जानते हो? सोचो कि ऐसे 30 वृक्ष एक के ऊपर एक खड़े हैं। इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे इतनी लंबी उग जाती है। वे बहुत दूर से वृक्ष के लिए पानी सोखती है और उसे तने में संभाल कर रखती है। यह वृक्ष मरुस्थल में उगता है, तो जब कहीं पानी नहीं होता तब लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। ओह, यह कितना मजेदार वृक्ष है साहिल। वृक्ष हमारी कितनी मदद करते हैं, मगर लोग इन्हें काटते रहते हैं। मुझे यह बहुत बुरा लगता है। मगर मीनू, मेरे पिताजी कहते हैं कि आजकल कोई भी वृक्ष नहीं काट सकते। अगर कोई वृक्ष काटता है तो उसे सजा मिलती है। पेड़ काटने के लिए खास तौर पर अनुमति लेनी पड़ती है। तो अगर हम किसी को वृक्ष काटते देखें, तो हमें अपने बड़ों को इसके बारे में बताना चाहिए। किसी को पेड़ काटते देखने पर मैं भी तुम्हें बताऊंगा। मीनू, मैं भी पौधे को बढ़ते देखना चाहता हूँ। मैं जड़ को भी बढ़ते देखना चाहता हूँ। अच्छा, यह तो आसान है। आओ अब घर चलें। मैं दिखाती हूँ कैसे। चलो तेजी से दौड़ो, हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे और मैं पेड़ को बढ़ते हुए देख सकूंगा। बस यह तेजी से होने वाला जादू नहीं है, इसे बढ़ने में समय लगता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों, तुम भी हमारे साथ यह कर सकते हो। तुम्हें बस थोड़ी चीजों की आवश्यकता होगी। तुम्हें पारदर्शी गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल चाहिए। तुम्हें थोड़ी रुई, एक धागा या रबड़ बैंड और कुछ बीज चाहिए। बीज कोई भी हो सकते हैं, जैसे सरसों, चने या लाल लोबिया आदि। पहले 5 से 6 बीजों को रात भर के लिए पानी के बर्तन में भिगोएं। अब हमारे पास सभी चीजें हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रुई को गीला करके गिलास के मुंह पर इस तरह से रखना है। अब मुझे इसे रबड़ से बांधने दो। अब मैं बीजों को रुई के ऊपर रखूंगी। मीनू, जड़े कब उगेंगी? ये कितनी लंबी उगेंगी? पौधा कब बढ़ेगा? यह कहाँ बढ़ेगा? मुझे कोई जड़ी युक्ति दिखाई नहीं दे रही। ओ ओ बस, इतने प्रश्न पूछने बंद करो। जड़े और पौधे इतनी जल्दी बढ़ना शुरू नहीं करते। इसे बढ़ने में 10 से 12 दिन लगते हैं। अब मुझे बताओ, तुम क्या सोचते हो कि जड़ कहाँ बढ़ेगी और पौधा कहाँ बढ़ेगा? मुझे यह पता है चीनू, मैं समझदार हूँ। जड़ें रुई के नीचे उगेंगी, यह गिलास के अंदर बढ़ेंगी, पौधा और पत्ते बाहर बढ़ेंगे।
मगर हमें यह रुई हमेशा गीली रखनी पड़ेगी और हमें इस गिलास को खिड़की के पास या बाहर रखना चाहिए ताकि बीज को सूरज की रोशनी और हवा भी मिले। मुझे पता है क्यों। बीज को बढ़ने के लिए पानी, सूर्य की रोशनी और हवा की जरूरत होती है। मीनू, मैं इसमें रोज पानी डालूंगा। मैं रुई को गीला रखूंगा। दोस्तों, अगर तुम भी यह करोगे तो तुम भी पौधे और उसकी जड़ों को बढ़ते देख सकते हो। दोस्तों, इन्हें मनाने में पक्षी की मदद करो। सेम का पौधा, बेल, गन्ना, टहनी, मूली, जड़, बंद गोभी, पत्ता, फूल गोभी, शकरकंद, जड़, सेम का पौधा, बेल, गन्ना, टहनी, मूली, जड़, बंद गोभी, पत्ता, फूल गोभी। शकरकंद, जड़, आओ अब हम खाली स्थान भरें। को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है।
बेल को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। पौधे को मजबूती से जमीन में पकड़ी रहती है। जड़ें पौधे को मजबूती से जमीन में पकड़ी रहती है। के पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से भी निकलती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से भी निकलती हैं। पौधे को बढ़ने के लिए और की रोशनी की आवश्यकता होती है। पौधे को बढ़ने के लिए हवा, पानी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। जमीन से पौधे के लिए पानी खींचती है। जड़ें जमीन से पौधे के लिए पानी खींचती हैं। बेल को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जड़ें पौधे को मजबूती से जमीन में पकड़ी रहती है। बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से भी निकलती हैं। पौधे को बढ़ने के लिए हवा, पानी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। जड़ें जमीन से पौधे के लिए पानी खींचती है। दोस्तों, अब प्रश्नोत्तर का समय है। तुम अपनी